आज से हमें शंकु परिच्छेद का आखिरी टॉपिक पढ़ना है, अति परवलय। अगर आपको याद हो, मैंने आपको काट के दिखाया जब, तो एक शंकु ऐसा ऊपर से कट जाता है और एक नीचे से, याद आया? ऐसा तो ऐसा होता है दिखने में, अति परवलय। ठीक है, तो अति परवलय जो है इसमें कोई नया सूत्र कुछ भी नया नहीं है। क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको दीर्घवृत्त याद है? ये दीर्घवृत्त का केंद्र ओ जीरो जीरो, ये इसके सिरे ए जीरो, ये इसके सिरे माइनस ए जीरो, ठीक है, जीरो बी बी जीरो, और ये एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, याद आया? क्यों लेते हैं ना भी माइनस ए ई जीरो, ए ई जीरो क्यों लेते हैं हम बता चुके कि अनुपात ई बना रहे। फर्क कुछ नहीं, यहाँ पर जो ई है जो एक से छोटा होता है वहाँ एक से बड़ा, तो इसी को बीच में से काटो घोलो पलट। ठीक है, काटो घोलो और पलट, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, देखा, और ये इसकी न्यूनता और ये इसकी नाभि, ये केंद्र ओ, ये दूसरे के लिए था ये, और ये इसकी नाभि ए ई जीरो, ये एक्स बराबर ए अपॉन ई, ये एक्स बराबर माइनस ए अपॉन ई, ये माइनस ए ई जीरो, ई जीरो जीरो, इसी हाँ माइनस ए और ये ए जीरो। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, अति परवलय में आपको ये समझना होगा कि नाभियाँ ज़्यादा दूर हैं और नियताएँ क्या हैं पास, जबकि समीकरण वही लिखे हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए ए बराबर चार है तो ई जो है वो एक से बड़ा रहेगा, अति परवलय की उत्केंद्रता एक से ज़्यादा होती है, तो ए बराबर चार है तो ई बराबर क्या रहेगा, दो। तो अब नियता निकालें तो चार बटे दो दो, और ना भी निकालें तो चार दूनी आठ, निश्चित ना भी दूर है और नियता पास है। अंदर समझ में आए, सूत्र में चेंज नहीं होगा, ऊपर और दूरी वही रहेगी, टू ए अपॉन ई, टू ए ई नियत नाभियों के बीच की दूरी, केवल ई चेंज हो जाता है, ई जो है वो एक से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और कोई चेंज नहीं होता। तो अब हम इसका क्या निकाल लेंगे आदित्य, समीकरण। तो समीकरण निकालने के लिए हम किसी भी तरफ एक चर बिंदु ले लेंगे, ये है पी एक्स वाई, इसकी फोकस से दूरी और नियता से दूरी, पी एफ बराबर, सब में बराबर होता है कुछ, पी एफ बटे पी वी बराबर क्या होगा, ई, जो कि एक से बड़ा है, मतलब पी एफ ज़्यादा होती पी वी क्या होती कम, तो पी एफ बराबर आ गया ई इंटू पी वी। इतने तो भरोसा कर ही सकते हैं आप, इतने से पढ़ा रहे हैं, पी एफ बता दीजिए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, पी बी नियता है एक्स माइनस ए अपॉन ए, सही जवाब आ जाते ऑपरेटरी में, वन का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर, फिर वही लघुत्तम ले लीजिए, ई एक्स माइनस ए अपॉन ए, इसे ही खोलिए जरा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस प्लस ए स्क्वायर, आराम से हो सॉरी, प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा बताओ जरा देते हुए, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू ए ई एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा, समझे बेटा? थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, इस तरफ है ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आए और माइनस वाई स्क्वायर उसको यहाँ ले आओ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर कॉमन आ गया सॉरी, एक्स स्क्वायर कॉमन, ई स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस वन, समझ में आया। सब में अपन ए स्क्वायर माइनस वन का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ए स्क्वायर माइनस वन। आदित्य ये क्या हो जाएगा बेटा, एक, ये आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। परंतु ए स्क्वायर माइनस वन बराबर बी स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अपन सेम टू सेम है, उल्टे पक्षांतर किए, क्योंकि ई जो है एक से बड़ा है, पिछली बार ई क्या था एक से छोटा था, तो अपन लिखते थे वन माइनस ई स्क्वायर, ताकि अक्ष की लंबाई माइनस में ना हो। लेकिन इस बार अपन ने क्या लिखा है, ई स्क्वायर माइनस वन, क्यों, क्योंकि ई एक से क्या है बड़ा है, तो बी स्क्वायर ऐसा होना चाहिए कि वो माइनस में ना आए, इसलिए अपन ने क्या लिया है ई स्क्वायर माइनस। किसी को समझ में आया। अगली बार सर यहाँ तो कहीं बी दिख नहीं रहा है, काट तो रहा नहीं है, तो बिल्कुल बेटा यहाँ इसको दीर्घ अक्ष नहीं, इसको अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, और यहाँ मान लेते हैं काल्पनिक रूप से इसने काटा होगा, तो ये काल्पनिक रूप से काटने वाली अक्ष कहलाती है संयुग्मी अक्ष, क्या कहलाती है, मतलब ये अनंत पे जा रहे हैं, वापस आके यहाँ क्या करेंगे, काटेंगे, जैसे सममित संख्या में होता है बेटा, ठीक है, इसको अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं, और इसको सॉरी गलत बना दिया, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पे बनेंगे पॉइंट, यहाँ बनेगा बी और यहाँ बनेगा बी, सॉरी बी बी लिखते हैं अपन, हाँ बी लिखते, बी वो बी रहे, समझ में आया बेटा, ये समीकरण समझ में आया, और ये अपन सब पहले पढ़ ही चुके हैं, बस यहाँ पे वन माइनस ई स्क्वायर नहीं है, क्या है, ई स्क्वायर माइनस, इसमें ये नहीं देखना पड़ता कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, अगर ए प्लस का है वो बी माइनस का, मतलब बी जो अक्ष है वो कौन सी अक्ष है, संयुग्मी, और ए कौन सी है, अनुप्रस्थ। इसके अलावा एक और होता है, ये क्षैतिज है वो कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर, उसमें क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का होता है और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होता है माइनस का, उसमें बी स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी उसमें ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, समझ में आया। अब हम उत्केंद्रता की गणना कर लेंगे बेटा, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं उत्केंद्रता की गणना, जरा बताओ, ई स्क्वायर माइनस वन बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही निकाला है, तो ई स्क्वायर बराबर वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सूत्र वही है लेकिन प्लस है, तो एक में कुछ जुड़ेगा तो आंसर एक से बड़ा आएगा, वहाँ एक में से क्या हो रहा था, घट रहा था, तो आंसर एक से क्या था, छोटा, तो कंसेप्ट दोनों का एक ही है, बस तरीके इसको सेटअप किया गया है कि इसके इतने एक से बड़ा हो और इसके एक से छोटा हो, बस यही तो अंतर, और कोई तो अंतर है नहीं, अनुपात तो समान है, तो शंकु की परिच्छेद थी, सबको तो समझ में आया बेटा कि नहीं आया। अब सूत्र कोई नया नहीं होगा, ना भी लंब की लंबाई टू बी स्क्वायर अपॉन ए ही होगी, ना भी बीच की दूरी टू ए ई ही होगी, नेता भी दूरी टू ए अपॉन ए, बस उत्केंद्रता का सूत्र नया है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्षैतिज अधि परवलय, ऐसे क्या होता है बताओ कुछ भी, ऊर्ध्वाधर अति परवलय, क्या समीकरण होता है खुशबू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर, और इसमें संबंध क्या होता है बेटा, इसमें संबंध क्या होता है बताओ जरा, ए स्क्वायर बराबर सॉरी बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ से ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो सूत्र बिल्कुल वही है, बस प्लस की जगह क्या हो गया, सॉरी माइनस की जगह क्या हो गया है प्लस, समझ में आया। चीज़ बता रहा हूँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, पिछली बार लिखवाई थी नोट्स में भी है, इतनी सारी उत्केंद्रता याद हैं, परवलय की एक होती है, दीर्घवृत्त की एक से कम होती है, अति परवलय की एक से ज़्यादा होती है, और वृत्त की जीरो होती है, लेकिन ये आई थी जो आपको बताने वाले, अगर आप याद रखें, अगर दीर्घवृत्त में ए, ये दीर्घवृत्त है, ए बड़ा है बी छोटा है, लेकिन अगर ए और बी बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वृत्त, वृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है, जीरो है, तो ये दीर्घवृत्त ही बस टूट के ऐसा हो गया है, मतलब अगर एक नॉर्मल थ्योरी वाइज कहें तो, बाकी ये पहला वो दीर्घवृत्त हुआ कम रहता है, पर फिर भी चलिए, अगर आपको याद हो कि अगर वृत्त में हम ये इसको ऐसे मिलाएं तो ये क्या बनाएगा, ये कोण क्या होगा, समकोण होगा, क्या होगा,
अब यही अपन ने क्या कर दिया, इसको तोड़ के क्या बना दिया, इसका अति परवलय। तो जहां भी इसकी बी होगी उस पर जब मिलेगा तो समकोणी बनेगा। तो जब अति परवलय में, जब अति परवलय में अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर। जब वृत्त में बराबर, दीर्घवृत्त में बराबर, तो वृत्त बन जाता है। लेकिन जब अति परवलय बराबर होती हैं तो वो कहलाता है समकोणिक अति परवलय। क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त में और भी बराबर तो क्या बन गया? वृत्त। दीर्घवृत्त को खोला तो अति परवलय, और वृत्त को खोला तो समकोणिक अति परवलय। नहीं आया समझ में? तो ये एक स्पेशल चीज है जो अपन को पढ़ना है, समकोणिक अति परवलय। ऐसा अति परवलय जिसमें अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष की लंबाइयां बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है? समकोणिक अति परवलय। दीपक ध्यान नहीं दे रहा है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक, दीर्घवृत्त का समीकरण। अगर निकिता हम यहाँ ए स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है, त्रिज्या ए है। नहीं है केंद्र मूल बिंदु, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर तुलना करो आप, एच है नहीं, कितना हो जाएगा? जीरो। अब बस ऐसे अगर अपन यहाँ क्या लगा दें? माइनस। तो ये बन जाता है काय का समीकरण, समकोणिक अति परवलय। लिखने आता समकोणिक अति परवलय का समीकरण लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। समझ में आया? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है समकोणिक अति परवलय की उत्केंद्रता, जो पिछले साल ऑब्जेक्टिव में आई थी। जो लोग सोच रहे हैं कि हमें ये कुछ ध्यान है, हमें ही नहीं, ऐसा नहीं। सब लोग जिनको पता तक नहीं है कि समकोणिक अति परवलय क्या होता, वो भी रट के जाते हैं। E बराबर वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वन प्लस बी कहाँ है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कैसे? शर्त है ना क्या? ए बराबर बी, तो ये क्या हो गए? वहां वन माइनस वन हो जाता है, यहाँ वन प्लस वन हो जाता है, कितना आ गया? करणी दो। समकोणिक अति परवलय की उत्केंद्रता करणी दो होती है। कितनी होती है? करणी। यहाँ पर एक अति परवलय दिया है एक्स स्क्वायर बटे नौ माइनस वाई स्क्वायर बटे सोलह बराबर एक, और इसके हम विभिन्न अवयव निकाल रहे हैं। तो बेटा मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे दीर्घवृत्त की तरह ए या बी बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इससे फर्क पड़ता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का मतलब एक्स अक्ष कौन सी अक्ष है? अनुप्रस्थ अक्ष। और वाई अक्ष कौन सी है? संयुग्म। मतलब एक्स वाले साले फॉर्मूले इसमें लगेंगे ना, भी क्या होगी? टू ए ई, टू बी ई नहीं होगी, टू बी ई नहीं होगी, बस इतना सा फर्क, और कुछ फर्क नहीं। तो आदित्य भाई तुलना कर लो बेटा, ए स्क्वायर बराबर नौ, बी स्क्वायर बराबर सोलह, ए बराबर तीन, बी बराबर चार। पहला क्या निकालना है? शीश। क्या होते शीश बताओ सर? कब बताओगे भैया? प्लस माइनस ए जीरो, तो प्लस माइनस तीन जीरो, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, मजे से लिखते हैं खुशबू, है ना? प्लस माइनस ए और वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर प्लस माइनस तीन और वाई बराबर जीरो, शीर्ष हो गए तीन जीरो और माइनस तीन जीरो। अगला क्या निकाल रहे हैं खुशबू बेटा? आराम से, जल्दबाजी नहीं। नाभिलंब की लंबाई का सूत्र कौन बोलेगा भैया? कुछ चेंज ही नहीं, टू बी स्क्वायर अपॉन ए, तो टू ए स्क्वायर अपॉन बी कब होगा? छोटा बड़ा नहीं होता इसमें, जब वो क्या, यहाँ लिख लेना, यह एक क्षैतिज अति परवलय है। माइनस देखा और समझ में आ जाता है कि एक्स अक्ष पे है ही, समझे? चलिए, तो टू बी स्क्वायर का मान सोलह, ए का मान बत्तीस बटे तीन। समझ आया? फिर दीवान जी बेटा अगला क्या निकालना है? उत्केंद्रता का सूत्र कौन बोलेगा आदित्य? वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नौ एकम सोलह और नौ पच्चीस बटे नौ, पाँच बटे तीन। अगला क्या? नाभियों के निर्देशांक। क्या होती ना भी आदित्य? प्लस माइनस ए जीरो, अपन वो भी कर सकते हैं, एक्स बराबर प्लस माइनस, वो वाला कर ले रहे,
एक्स बराबर प्लस माइनस ए, वाई बराबर जीरो। अगर आपने द्विघात वाला किया है, द्विघात वाला किया है आपने, पूरे किए हैं, तो ये आपको छुटकारा लगेगा। वो नहीं किया तो क्या कर सकते, कुछ चेंज हो तो बताओ आप मुझे। ए बताइए कितना है, कुछ तीन, और ई याद करो वहाँ भी कटते हैं, यहाँ भी कटते वहाँ, तो क्या कर सकते बताओ। प्लस माइनस पाँच, वाई बराबर जीरो, ना भी आ गई पाँच जीरो माइनस, समझ में आया। गौर करो शीर्ष से बड़ी ना भी है, क्योंकि शीर्ष पास होते हैं और ना भी दूर होती है, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं होता है। और क्या निकालना कुछ हो, हाँ शीर्ष तो हो गए बेटा, और कुछ निकालना है। नियताओं के समीकरण निकाल दें, क्या आएंगे x बराबर प्लस माइनस ए।